कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कसा। देख चलिए देखते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मसाला, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा गोल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ये दो हरी मिर्च, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है टमाटर, ये प्याज, चार आलू दो भागों में मैंने काट लिया, ये है हरी धनिया पत्ती, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हाफ के जी चिकन। चलते हैं, शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाह। एक चम्मच, दो चम्मच तेल लेते हैं, सरसों तेल। पहले करना है ये आलू फ्राई, आलू फ्राई करना है पहले। ये देखिए, आलू हो गया फ्राई, अब इसको निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। तेल देते हैं अपने हिसाब से, गरम हो गया, ये देते हैं तेज पत्ता। ये प्याज, इसको चलाते हैं फ्राई करना है, लाल करना है। और थोड़ा प्याज करना है, थोड़ा बाकी है। ये देखिए प्याज हो गया फ्राई, और इसमें डालते हैं कटे हुए टमाटर। इसको थोड़ा एक दू हाँ चला करके, थोड़ा ये टमाटर नरम हो जाए, उसके बाद चिकन देना। इसमें नमक थोड़ा डालो, जल्दी से टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा, यानी रंग हो जाएगा। ये हो गया, अब इसमें चिकन डाल दें। अब प्याज, टमाटर और चिकन अच्छे से भून लेना है, क्योंकि चिकन का जो पानी है पूरा सोख ले, उसके बाद सारे मसाले इसमें ऐड करना, ठीक है। पाँच मिनट तो लग ही जाएगा, पाँच मिनट तक इसे अच्छे से भूनना है, ताकि चिकन का पानी पूरा ख़त्म हो जाए। ये देखिए पाँच मिनट अच्छे से भून लिया है, अब इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। तो देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट, आइए सारे मसाले, सारे मसाले अच्छे से भूनना है, ताकि ये अदरक लहसुन कच्चा ना रहे। अच्छे से भून करके इसमें आलू डालना, ये दो हरी मिर्च, ये फ्राई की हुई आलू, बोल भूल गई थी लगे करना बाद में इसलिए। पहले मैंने नमक दिया था, आइए थोड़ा और नमक दे देंगे, आप लोग अपने हिसाब से दीजिएगा, हम अपने हिसाब से। और साथ में ये डाल देते हैं गरम मसाला, ये है गरम मसाला, इसको अच्छे से भूनना है। हाँ, इसको अच्छे से भूनना है, भून करके इसमें पानी ऐड कर, पाँच मिनट तक भूनना है।
ये देखिए चिकन तेल अलग हो गया मसाला से, चिकन अच्छे से भून लिया। अब इसमें पानी ऐड कर देते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि आलू भी गला है ना, आलू अभी कड़ा है। इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है, सिर्फ आलू और चिकन गलने भर, क्योंकि ये चिकन चिकन कसा है, चिकन कसा है। ठीक है, अब इसको बंद कर दे हैं 5 मिनट के बाद। अब इसको छिपा करके गलने देते हैं। चलिए देखते हैं चिकन। ये मेरा चिकन हो चला अब तैयार, थोड़ा और बाकी है बस। इसमें धनिया पत्ती थोड़ा ऐड कर दूँ, इसको थोड़ा चला लेते हैं और 2 मिनट बस। 2 मिनट के बाद चिकन तैयार, ये तैयार। ये देखिए आलू उलू सब गल गया है, चिकन भी गल गया। ये देखिए अब गैस कर देते हैं बंद, मिलते हैं बाद में। चिकन कसा तैयार, ये देखिए, जाइए फटाफट बनाइए, खुद खाइए, अपनों को खिलाइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।